बॉलीवुड में हर साल दिवाली के मौके पर कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख देती हैं। साथ ही कई बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लेती हैं। इस बार दिवाली के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज हुई है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी कर रही है। फिल्म ने पहले दिन ही 19 करोड़ 8 लाख रुपए की कमाई की थी, जहां एक तरफ ये फिल्म साल 2019 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि हाउसफुल 4 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई के साथ दिवाली के मौके पर रिलीज हुई छठी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। अक्षय कुमार की फिल्म ने ये कारनामा शाहरुख खान की रावण और जब तक है जा, अजय देवगन के शिवाय और रणबीर कपूर की ऐ दिल है मुश्किल को धूल चटा कर अपने नाम किया है। जहां एक तरफ रावण ने पहले दिन 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, वहीं जब तक है जान ने 15 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसके अलावा ऐ दिल है मुश्किल ने 13 करोड़ 30 लाख रुपए और शिवाजी ने 10 करोड़ 24 लाख रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो अक्षय के हाउसफुल 4 ने इन फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर ज्यादा कमाई करने के मामले में बॉलीवुड के खान सबसे आगे हैं। इन तीनों की फिल्मों ने दिवाली के मौके पर रिकॉर्ड्स तोड़ कमाई की थी। अक्षय और बॉबी देओल की हाउसफुल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर जैसी शुरुआत की है, उससे साफ है कि ये दिवाली के मौके पर रिलीज हुई सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में भी आसानी से जगह बना लेगी। फिल्म हाउसफुल 4 को बहुत शानदार रिव्यूज नहीं मिले हैं, उसके बाद भी ये फिल्म अच्छे आंकड़े दर्ज करा रही है। कहा जा रहा है कि हाउसफुल 4 को अक्षय कुमार के स्टारडम का जबरदस्त फायदा मिल रहा है। अक्षय कुमार पिछले कुछ समय से लगातार हिट फिल्में देते आए हैं, जिस कारण दर्शक उनकी इस फिल्म के लिए भी थिएटर्स का रुख कर रहे हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या अक्षय की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा कब तक पार कर लेती है। वैसे आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।